फ्री सब्सक्राइब कीजिए जवाबी बाबा चैनल को और बेल आइकन को दबाएं, रोज पाएं ऑसम नॉलेज वीडियोस। डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स के बंदो, आज की वीडियो का टॉपिक है AB टेस्टिंग। अगर आप ई कॉमर्स डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये नाम आपने ज़रूर सुना होगा। AB टेस्टिंग क्या होती है, क्यों होती है और कैसे होती है, इस छोटे से वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। मेरा नाम है हुसैन, आप देख रहे हैं जवाबी बाबा चैनल, लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, AB टेस्टिंग, जिसको स्प्लिट टेस्टिंग भी कहा जाता है या बकेट टेस्टिंग भी कहा जाता है। स्प्लिट टेस्टिंग इसलिए क्योंकि इसमें ट्रैफिक स्प्लिट होता है, आप स्प्लिट करते हो अपने ट्रैफिक को टेस्टिंग के लिए। बकेट टेस्टिंग भी इसलिए क्योंकि आप ट्रैफिक को कह सकते हो कि अलग अलग बकेट में डिवाइड करते हो जब आपकी वेबसाइट पे आता है। तो होता क्या है AB टेस्टिंग, होता क्या है AB टेस्टिंग, एक बहुत ही फेमस, और फेमस इसलिए क्योंकि बहुत ही आसान है, फेमस तरीका है डिजिटल मार्केटिंग में ये कंपेयर करने के लिए कि कौन सा वेब पेज वर्जन ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, कौन सा वेबसाइट एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। इसमें होता क्या है, एक वेब पेज को अलग अलग वर्जन में बनाया जाता है और उस अलग अलग वर्जन को एक साथ साइमल्टेनियसली टेस्ट किया जाता है लाइव ट्रैफिक के साथ, कि जो ट्रैफिक है, जो विज़िटर्स हैं, वो कौन से वेब पेज के साथ ज़्यादा इंगेज कर रहे हैं, ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहे हैं। इसका मकसद बहुत ही सिंपल है, आप इमेजिन कर सकते हो। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जो बहुत सारे विज़िटर्स आ रहे हैं, विजिट्स आ रही हैं, गोल ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्ट करें। कन्वर्जन किसी वेबसाइट के लिए कुछ भी हो सकता है, मैंने इस पर पहले भी वीडियो बनाया है। किसी वेबसाइट का कन्वर्जन हो सकता है, कोई फॉर्म फिलअप करना, कोई वेबसाइट कुछ बेचती है तो परचेज़ करना, परचेज़ कंप्लीट करना, ये उसका गोल हो सकता है। तो अलग अलग गोल हो सकते हैं। तो जो भी वेबसाइट का गोल है, वो गोल में कन्वर्जन ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसके लिए वेबसाइट के कॉन्टेंट के साथ अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। उन सारे एक्सपेरिमेंट को ही हम CRO कहते हैं। तो ये AB टेस्टिंग भी उसी CRO का हिस्सा है। वेबसाइट कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन के लिए एक जो बहुत बड़ा वेपन है वो है पर्सनलाइजेशन। पर्सनलाइजेशन में आप क्या करते हो, विजिटर्स के लिए उनके हिसाब से अलग अलग एक्सपीरियंस उनको दिखाते हो, एक पर्सनलाइज एक्सपीरियंस क्रिएट करते हो। लेकिन इसका इस्तेमाल करके आप सिर्फ अलग अलग टाइप के लोगों को अलग अलग एक्सपीरियंस दिखा पाते हो। तब आप क्या करोगे, जब सेम टाइप ऑफ ऑडियंस इज़ कमिंग ऑन योर वेबसाइट, सेम टाइप ऑफ विजिटर्स आ रहे हैं, अब उस एक बड़े ग्रुप में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्ट करना है। मिसाल के तौर पे मान लो मैं एक बैडमिंटन प्लेयर हूँ, मेरे को बैडमिंटन एक्सेसरीज़ ख़रीदनी है, ठीक है, ये स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ख़रीदना है बैडमिंटन को लेके। मेरे ऐसे और बहुत सारे लोग होंगे, तो ये एक सेगमेंट हो गई, ये एक ट्रैफिक सेगमेंट हो गई। अब इस पूरी सेगमेंट का इंटरेस्ट बैडमिंटन में है, रैकेट में, शटल में, ये सब सामान ख़रीदने में। अब जब ये पूरी की पूरी सेगमेंट के हज़ारों विजिटर्स आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं, मान लो आप स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बेचते हो, ऐसी वेबसाइट है आपकी, तो अब इस पूरी की पूरी सेगमेंट का इंटरेस्ट तो एक है, इनको आपको अलग अलग एक्सपीरियंस दिखाने की ज़रूरत नहीं है, सारे एक ही हैं, तो क्या आप इनको सेम चीज़ दिखाओगे? नहीं। यहाँ पर भी सेम सेगमेंट के लोगों को कौन सा वेब एक्सपीरियंस ज़्यादा पसंद आएगा, जिसमें वो ज़्यादा कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए ये AB टेस्टिंग का यूज़ होता है। तो आप डिफरेंस समझ रहे हो। पर्सनलाइजेशन में आप क्या कर रहे हो, आप अलग अलग सेगमेंट के विजिटर्स को अलग अलग एक्सपीरियंस दे रहे हो ताकि उनको वो अच्छा लगे, उससे वो इंटरेक्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्ट करें। AB टेस्टिंग सेम सेगमेंट के लोगों में भी काम करती है कि उनमें उनको अलग अलग एक्सपीरियंस साइमल्टेनियसली दिखाया जाता है, फिर ये टेस्ट करा जाता है कि कौन से एक्सपीरियंस के साथ वो सबसे ज़्यादा इंगेज करते हैं, सबसे ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं, जिससे कि सबसे ज़्यादा कन्वर्ट करते हैं, और फिर उस एक्सपीरियंस को फाइनली सेलेक्ट करके उसको कंटिन्यू करा जाता है। तो ये AB टेस्टिंग का एक यूज़ केस है, इससे आपको रीज़न पता लगा होगा। AB टेस्टिंग का एक और प्रकार होता है मल्टी वेरिएट टेस्टिंग, इसके बारे में मैं अपने अगले वीडियो में बात करूँगा। AB टेस्टिंग करने के लिए ट्रैफिक को स्प्लिट करना पड़ता है, इसीलिए इसको स्प्लिट टेस्टिंग कहा जाता है, क्योंकि तभी आप मल्टीपल पेजेस में इक्वल अमाउंट ऑफ ट्रैफिक को स्प्लिट करते हो। मान लो हफ्ते में आपके 10,000 विजिटर्स आ रहे हैं और आपके दो वर्जन आपने बनाए हैं, तो आप चाहोगे कि 5,000 इक्वल अमाउंट स्प्लिट कर दो, जिससे कि इक्वल अमाउंट ऑफ एवरीथिंग बीइंग इक्वल यू विल गेट टू नो दैट विच वर्जन वर्क्स बेटर देन दी अदर। इससे आप ये डिसाइड कर पाते हो कि कौन सा वेबसाइट कॉन्टेंट सबसे ज़्यादा बेहतर चलता है आपकी वेबसाइट पर, और अकॉर्डिंगली आप अपना कन्वर्जन बढ़ाते हो। बहुत सारे टूल्स हैं, पेड टूल्स हैं, जो कि आपको इस AB टेस्टिंग में मदद कर सकते हैं।
अडोबे का टेस्ट एंड टारगेट है, TNT है, ऑप्टिमाइजली है, एवरगेज है, कई टूल्स मिल जाएंगे जो कि बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से AB टेस्टिंग में आपकी मदद करते हैं। ज़्यादातर ई कॉमर्स कंपनीज इसको यूज़ करती हैं, आपने देखा होगा अमेज़ॉन में आप अपने फ़ोन पे खोलेंगे तो हो सकता है आपको डिफरेंट पेज दिखे, और अपने दोस्त के फ़ोन पे देखेंगे तो हो सकता है आपको डिफरेंट पेज दिखे, तो इसी को AB टेस्टिंग कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो थोड़ा जानकारी भरा लगा होगा। इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। आई कीप ऑन मेकिंग दीज टेक्नोलॉजी ज्ञान वीडियोज़ वेरी ऑफन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।